चौक विधानसभा क्षेत्र के माकपा विधायक राकेश सिंघा द्वारा अपने विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं को लेकर किया गया अनशन समाप्त हो गया। विधायक राकेश सिंघा का कहना है कि चौक कुमारसैन में लोग पानी, बिजली व सड़कों की बदहाल स्थिति से परेशान हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ठियोग विधानसभा क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं को लेकर विधायक राकेश सिंघा द्वारा हिमाचल प्रदेश सचिवालय के बाहर किया जा रहा अनशन बुधवार को समाप्त हो गया। सिंघा का कहना है कि उनके विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और सड़क इत्यादि सुविधाओं का अभाव है, जिसके चलते उन्हें अनशन पर बैठना पड़ा। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा अपनाया जा रहा विकास का रास्ता और संवैधानिक जिम्मेवारी में टकराव हो रहा है, जिससे लोगों को सही सुविधा नहीं मिल पा रही है। विधायक राकेश सिंघा ने कहा कि सरकार की दिशा बदलने के लिए ही अनशन किया गया था। उन्होंने कहा कि लोगों को मूलभूत सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए सरकार को उचित कदम उठाने की जरूरत है। कि जो विकास का रास्ता सरकार का है और जो उसकी संवैधानिक जिम्मेवारी है, उसके बीच में टकराव हो गया है। टकराव कैसा हुआ है? सरकार का संवैधानिक जिम्मेवारी है लोगों को बुनियादी सुविधा देना, बुनियादी सुविधा जिंदा रहने के लिए, पीने का पानी है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, बिजली है, राशन है, आपका LPG है और दूसरी सेवाएं भी इसमें शामिल है। ये दे नहीं पा रही। क्यों नहीं दे पा रही? ये इसलिए नहीं दे पा रही क्योंकि जो विकास का रास्ता इसने इख्तियार किया है वो उसको अनुमति नहीं देता है। सिर्फ ये सरकार नहीं, ये तो 1990 के बाद हमारे देश में चल रहा है, जिसको हम कहते हैं ट्रिकल डाउन थ्योरी, है ना, कि बड़े बड़ों को अमीर करो, फिर वो लोगों को रोजगार देंगे, वो विकास करेंगे। तो इसीलिए हम सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते थे कि इस विकास के रास्ते के चलते हुए गरीब आदमी को न्याय नहीं मिल सकता, महिला को नहीं मिल सकता, दलित को नहीं मिल सकता, नौजवान को नहीं मिल सकता, और इसीलिए न्याय दिलाने के लिए आपको भर्तियां करनी पड़ेगी। स्कूल तब चलेगा जब मास्टर उसमें लगेगा, स्वास्थ्य केंद्र तब चलेगा जब पैरामेडिकल स्टाफ आएगा, डॉक्टर आएगा, पानी तब चलेगा जब कीमैन की भर्ती होगी, SDO होगा, JU होगा, तो ये सारे महकमे तब चलेंगे। हालात बहुत चिंताजनक हैं। आज देहात के अंदर एक पटवारी चार चार पटवार सर्कल को चलाता है। 90% हमारी देहात में रहती है, 65% किसान है। क्या ये संभव है एक पटवारी चार चार पटवार सर्कल में हर किसान को न्याय दे सकता है? ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।